मसीह के नाम से हम बधाई देते हैं। आज हम तसलुनीके की किताब देखने वाले हैं। वो पहला अध्याय में छेवा वचन में ऐसे कहते हैं, तुम बड़े क्लेश में उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये अच्छे समय हमको दिया, धन्यवाद ये वचन को अब आशीष कीजिए और भगवत जन को लाभ लाइए यीशु मसीह के नाम से। हम मांगते पिता, इस वचन में ऐसा लिखा है, तुम बड़े क्लेश में ये तसलों के पहला के तसलों के किताब में पहला अध्याय सेवा वचन आराम वचन ये ऐसा लिखा है, तसलों के कलिशिया में उनको प्रजा को उनको विश्वासी को विश्वासी क्लेश आया उपद्रव। तो ये क्लेश में उन लोग ने क्या किया हम देखेंगे अभी। आज बहुत जन को क्लेश आता है, उनमें वो लोग क्या होता है अभी हम दो दिन कल का पेपर हम देखेंगे। तो एक लड़का को क्लेश आया और तो वो लड़का ने क्या किया, तो खुदकुशी कर दिया। तो ये सब क्या बता रहे हैं, जब इंसान को क्लेश आता है तो उसको मदद करने के लिए आदमी जरूरी है। तो ये वचन क्या कहते हैं, तसलोनिके कलिशिया में क्लेश आया तो वो लोग ने क्या क्या वो लोग को क्या हुआ, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वो लोग को क्लेश आया लेकिन वो लोग ने उसमें ही वो मरा नहीं, अविश्वासी नहीं हुआ, कुछ हानि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पवित्र आत्मा के आनंद के साथ जब जब क्लेश आता है संसार में तभी हमको एक भरोसा है, पवित्र आत्मा जगत में है। ये जो पवित्र आत्मा हमको आनंद देता है ऐसा कर कर इस तस्वीर की किताब में लिखा है। तो ये जो प्रजा को पवित्र आत्मा आनंद दिया, जो कोई क्लेश में है जो कोई क्लेश में है उनको पवित्र आत्मा चाहिए, एक जन मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। तो ऐसा उनको हेल्प मिलते समय वो लोग आनंद पाते हैं, वो लोग क्या वो जो क्लेश है वो जीत लेते हैं। वो लोग जीत लेते हैं तो ये क्या कहते हैं उसके बाद हम देखेंगे। वचन को मानकर पहला हम देखा वो लोग को क्लेश था, उस क्लेश में पवित्र आत्मा का मदद लिया, पवित्र आत्मा का हेल्प लिया, उसके लिए आनंद मिला। आज भी सुनने वाले परमेश्वर के प्रजा आपको भी क्लेश है क्या, परमेश्वर आप पवित्र आत्मा आपके लिए है, वो पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेंगे। वो जो क्लेश से जीतने के लिए
ये जो क्लेश से आनंद पाने के लिए पवित्र पवित्र आत्मा को पावर है, इसके लिए इस अधिकार में वही लिखा है। और भी लिखा है वो लोग वचन को कहकर लिखा है। आज ये जो वचन है जो कोई विश्वास कर हर लोग अपना जो डेली अपना जो जिंदगी में वो जो विश्वास कर ये जो वचन के अनुसार चलेंगे तो आशीर्वाद पाएंगे। क्योंकि योवान की किताब में पहला अध्याय पहला वचन में ऐसा लिखे हैं, आदि में वचन था, उस वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था। तो ये जो वचन को हम हर रोज कुछ पढ़ना चाहिए, भले 5 वचन पढ़ सकते हैं, 10 वचन पढ़ सकते हैं, बाइबल में 1 चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ऐसा डेली पढ़ते समय में आपको जो कोई तकलीफ होते हैं हम सोचेंगे, हम पढ़ते वचन को पढ़ते समय में आज क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हमको कुछ है क्या वचन, तो ये वचन हमको बोलेगी, हमको चलाएगी, हमको मदद करेगा, क्योंकि जीवित है, इसमें होली स्पिरिट है, वचन में जीसस है। वैसे ही पवित्र शास्त्र में कहते हैं, इसके लिए इधर क्या लिखा है, वो लोग वचन को लेकर वचन को मानकर, आप ही वचन को मान लो, आपको यीशु मसीह आशीष करेंगे। और भी इधर लिखा है वही तसलों के पहला अध्याय 6 वचन में हमारी, इधर लिखा है हमारी, ये हमारी क्या है, गॉड सर्वेंट है, परमेश्वर का सेवक लोग है, गॉड सर्वेंट। तो ये जो गॉड सर्वेंट के लोग इज्जत करता है, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको आनंद मिलती है। इधर लिखा है हमारी, आज बहुत सारे गार्ड सर्वेंट है, कोई घर में जाते हैं तो कोई मदद रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन इधर लिखा है हमारी, हमको ये लोग हमारे इज्जत करते हैं और हमारे पीछे आते हैं, हम जो प्रचार करते हैं उसको वो लोग विश्वास करते हैं। तो और लिखा है प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो यीशु मसीह को आप चाल चलने आप लगे हैं क्या, जो कोई यीशु मसीह को यानी पीछे जाते हैं चलने लगते हैं, यीशु मसीह इस संसार में क्या क्या आशीर्वाद दिया, क्या क्या आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग दिया, वो आशीर्वाद आपको मिलेंगे जो कोई यीशु मसीह के पीछे जाते हैं। वो लोग संसार अपने बच्चे अपने परिवार वो सब थोड़ा बाजू में रखकर साइड में रखकर साइड में रखकर यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए, चलने चाहिए। तभी क्या क्या क्लेश है वो सब आनंद हो जाता है, क्या क्या बिजनेस नुकसान है अपने को नुकसान से तो क्लेश हो जाते हैं, और काम में हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा तो क्लेश हो जाते हैं,
बहुत सारे विषय है, बच्चों लोग के विषय है, तो आप जान लेते हैं जो जो आपको जो विषय है आपको क्लेश लाता है उससे पवित्र आत्मा आपको छुड़ा सकते हैं। तो ऐसे इधर लिखा है पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। तो इसके लिए मेरे प्रिय परमेश्वर की प्रजा, आपको क्लेश है क्या? पवित्र आत्मा आपके लिए है, वो आपको मदद करेंगे, आपको आनंद देंगे। और इधर वचन लिखा है, आप हर रोज वचन को विश्वास कीजिए। बाइबल में हर रोज वचन आप पढ़ेंगे तो डेली हम 5 वचन पढ़ेंगे और वो क्या कहते हैं हमको, तो हम उसको विश्वास करेंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। और परमेश्वर को सेवा को इज्जत कीजिए, इज्जत कीजिए और प्रभु की भी चाल चलने लगी है। प्रभु की चाल क्या है? हम प्रभु को चाल चलेंगे तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम इस दसनों की किताब में हम देखे वो लोग बड़े क्लेश में था, उसमें पवित्र आत्मा उनको मदद किया और वो लोग पवित्र आत्मा के साथ चले और वचन को आज्ञा पालन किया और परमेश्वर को सेवा को इज्जत किया, वचन को माने और सेवा को विश्वास किया और प्रभु की भी चाल चलने लगे। तो ऐसा सुनने वाले को आप मदद कीजिए परमेश्वर, आपके पीछे चलने के लिए, आपको वचन को मानने के लिए, पवित्र आत्मा का मदद पाने के लिए, हेल्प के लिए, पवित्र आत्मा का हेल्प के लिए आप उनको सहायता कीजिए। अभी कुछ बीमारी है तो हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से जो कमजोरी दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से जो अविश्वास दूर हो जाओ। परमेश्वर उनसे हालत में है, आप उनको हालत को आप आशीर्वाद बनाइए, ये बच्चों को आशीर्वाद कीजिए। वो लोग पहला तस्वीर की किताब पहला अध्याय में वो लोग सेवा वचन और भी पढ़ने के लिए सहायता कीजिए। आशीष कीजिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता।